Today I am going to tell about Tadpoles for 11th bio class. Tadpoles का परिचय क्या, introduction क्या? एक क्लोरोफिल युक्त होते हैं, क्लोरोफिलस प्लांट्स। संवहन ऊतक में पाया जाता है, अर्थात वैस्कुलर बंडल इनमें प्रेजेंट होता है, और पुष्प विहीन, इनमें पुष्प नहीं लगता है, पुष्प विहीन होते हैं, क्रिप्टोगैमस के नाम से जाना जाता है, और इन्हें क्योंकि संवहन ऊतक पाया जाता है और पुष्प विहीन होते हैं, इन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस संवहन ऊतक अपुष्पोद्भिद के नाम से भी जाना जाता है। कुछ पौधे हैं उदाहरण के लिए एग्जांपल मार्सीलिया, सार्डिनिया, एजियोला, ये सब है टेडोफाइट्स प्लांट्स। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं टेडोफाइट्स के? दे आर सैप्रोफाइट, ये बीजाणुद्भिद होते हैं। इसके पहले हम लोग ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, उनका जो मेन पौधा होता है वो युग्मकों गैमेटोफाइट होता है, लेकिन यहाँ क्या है सैप्रोफाइट, बीजाणुद्भिद होता है, जड़ तना पत्ती इनमें बटा होता है। वैस्कुलर बंडल संवहन ऊतक इसमें उपस्थित होता है, लेकिन जाइलम वाहिकाएं, फ्लोएम वाहिकाएं, वाहिकाएं ये सब नहीं पाए जाते, केवल समान संवहन मंडल में जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। फिर इनमें द्वितीय वृद्धि नहीं होती, सेकेंडरी ग्रोथ जिसे कहते हैं, द्वितीय वृद्धि इनमें नहीं होती है। इन पुष्पहीन पौधे हैं, क्रिप्टोगैमस के नाम से जाने जाते हैं, और जो बीजाड़ है बीजाड़ धानियों में उत्पन्न होते हैं, स्पोर्स फॉर्म स्पोरेंजियम, अर्थात बीजाड़ जो धानियों में उत्पन्न होते हैं, और इनमें नर जनन अंग एंथ्रिडियम है, पुंधानी और मादा जनन अंग आर्किगोनियम स्त्री धानी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों किस पर उत्पन्न होते हैं? बीजाणुद्भिद पर नहीं उत्पन्न होते हैं, बल्कि युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट पर उत्पन्न होते हैं, दूसरी अवस्था। और इनमें निषेचन के लिए वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, जल जो है निषेचन के लिए आवश्यक होता है इन पौधों में, और इन पौधों में पीढ़ी के अंदर जैसे हम लोग ब्रायोफाइट्स में पढ़े थे कि बीजाणुद्भिद बीजाणुद्भिद, उसी तरह यहाँ पर बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद यह चलता रहता है क्रम से, इसलिए इसको पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जाना जाता है। ये पाया जाता है टेडोफाइट्स में, और इन्हें वानस्पतिक सर बॉटनिकल स्नेक्स के नाम से भी इन पौधों को जाना जाता है। दैट्स ऑल।